नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय। मेरे YouTube चैनल संजय खाखिल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एडवांस मैथ्स में अल्जेब्रा टॉपिक लेके आया हूँ। अल्जेब्रा में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू अल्जेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन फाइंड थ्री ए बी सी अपॉन ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ जो एग्जाम में आपको फास्ट किस तरीके से आंसर लाना है। तो वो आंसर हम लाने के लिए क्या प्रोसीजर करेंगे डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी को इस तरीके की कोई कैलकुलेशन करनी है कि वो जीरो के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी डिजिट रख लेंगे। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ वन वन माइनस टू। तो वन प्लस वन टू और माइनस टू जीरो। तो कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पर मैं कोई और डिजिट रखूँ, यहाँ पर डिजिट रख लूँ टू टू माइनस फोर, यहां पर रख लो टू टू माइनस फोर, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम कोई भी डिजिट रख के इसको कर सकते हैं। अब यहां पर रखा ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर ये रखा तो यहां पर हमें फाइंड करना है थ्री ए बी सी अपॉन ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसको फाइंड करना है तो हम इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, थ्री इंटू ए वन इंटू वन इंटू माइनस टू अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी वन प्लस वन, बी प्लस सी वन माइनस टू और सी प्लस ए, सी प्लस माइनस टू प्लस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन वन प्लस वन टू इन टू, ये कितना हो जाएगा माइनस टू वन माइनस माइनस वन इन टू माइनस वन। तो कितना हो जाएगा ये माइनस सिक्स अपॉन माइनस टू, कटेगा कितना जाएगा थ्री आंसर आएगा, कितना आएगा थ्री आंसर आएगा। तो हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं कॉन्सेप्टली इसको देखूं, कॉन्सेप्ट से अगर इसको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट से अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली हम निकालेंगे। सबसे पहले a प्लस बी दे रखा है, तो a प्लस बी अगर इसको निकालेंगे, a प्लस बी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस सी। फिर है b प्लस सी, b प्लस सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस a। और फिर आ जाएगा सी प्लस ए, सी प्लस ए अगर निकालना है हमें तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी। अब इसको डायरेक्टली हम इसके अंदर रख लेंगे थ्री ए बी सी अपॉन ए प्लस बी, यहां पर दे रखा है तो इसके माइनस सी इंटू बी प्लस सी की जगह रख देंगे माइनस ए इंटू सी प्लस ए की जगह रख देंगे माइनस बी। अब काट देंगे सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, कितना आ जाएगा आंसर थ्री। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है एग्जाम में, कभी भी आपको एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यू रखना है और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो फाइंड द एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड एक्स जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए भी हम सबसे पहले यही चीज देखेंगे डायरेक्ट मेथड से। अगर इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, अगर इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो बनाना हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू देखेंगे, यहाँ x की जगह वन रख लेंगे
एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, वाई की जगह अगर 1 रखेंगे, जेड की जगह -2 रखते हैं, तो ये 0 हो जाता है, 1 + 1 - 2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम यही सारी वैल्यू रख देंगे, हम ये वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 / yz, y1 - 2 कितना हो जाएगा -2 प्लस y1 का स्क्वायर 1 zx, zx -2 × -2 प्लस z² -4 / xy1। अब इसको देख लेते हैं, 2 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 2 करेंगे 1 × 1 - 1, और इसको करेंगे 1 - 1 प्लस 2 × 2 और 4 × 2 = 8 कितना आ जाएगा 6/2 काट देंगे, आंसर क्या जाएगा 3, आंसर क्या जाएगा 3। तो हमें इसी तरीके से करना है कि सबसे पहले x प्लस y प्लस z दे रखा है इक्वल टू 0 दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसको 0 बनाना है, x की वैल्यू 1 रख लेंगे, y की वैल्यू 1 रख लेंगे, z की वैल्यू -2 रख लेंगे। अब ये 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की जगह 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन yz, तो y एंड z -2, zx -2 1 - 2, xy 1, एलसीएम लिया 2 को 2 1 टाइम -1 2 को 2 1 टाइम -1, 2 × 2 = 4 × 8 6/2 = 3 आंसर डायरेक्टली आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमें इसको भी उसी तरीके से डायरेक्ट मेथड से अगर हम करेंगे, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल करने का कोई मतलब नहीं है, हमें एग्जाम में क्या करना है डायरेक्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसको 0 बनाना है, ए प्लस बी तो मैं 1 रख लूंगा, a का b इक्वल टू 1 रखूंगा, ये -2 रख लूंगा, c की वैल्यू तो 1 + 1 = 2 और -2 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हैं, इसको a का तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 - 2 c तो +4 अपॉन ए बी 1 × 1 = 1 प्लस बी सी, बी और c क्या आ जाएगा -2 और सी ए सी -2 और ए 1 - 2 इसको ऐड करेंगे तो ये कितना 4 × 2 = 6 अपॉन -4 + 1 - 3 = 2 आंसर क्या जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसी तरीके से सबसे पहले क्या करना है, कोई भी इक्वल टू 0 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, 0 दे रखा, तो सबसे पहले ऐसी कोई वैल्यू आपको फिल करना है कि उसको 0, अगर मान लो यहाँ पर कोई डिफरेंट वैल्यू भी रख सकता हूँ, 2 - 4 भी रख सकता हूँ, 3 - 6 भी रख सकता हूँ, 4 - 8 रख सकता हूँ, यानी कि कोई भी वैल्यू फिल करो आपका आंसर 2 ही आएगा। तो आपको ये सबसे जरूरी बात यही है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी वैल्यू रख रहे हैं और किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फाइंड 1 / a³ + 1 / b³ + 1 / c³ + 1 / a+b³³ + 1 / b+c³³ + 1 / c+a³। तो हमें इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे और फिर कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी करके बताऊंगा। इसको डायरेक्ट मेथड से करना है तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की कोई ऐसी वैल्यू फिल करना है कि 0 हो जाए, तो हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1,
और सी की वैल्यू माइनस टू रख लूंगा। अब इसको इसी तरीके से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन का क्यूब वन प्लस वन अपॉन माइनस टू दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस टू दे रखा है। तो इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा माइनस एट आ जाएगा, प्लस वन अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी टू, टू का क्या हो जाएगा क्यूब एट हो जाएगा, प्लस वन अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस वन और माइनस वन का माइनस वन, प्लस वन अपॉन सी प्लस ए माइनस टू प्लस वन माइनस वन और माइनस वन का क्यूब माइनस वन। अब इसको क्या करना है हमें, सबसे पहले ये चीज देखना है जो कटता है काट देते हैं कि वन अपॉन एट माइनस एट से वन अपॉन माइनस एट कटता है, वन अपॉन वन से माइनस वन अपॉन वन कट रहा है, वन अपॉन वन से माइनस वन अपॉन माइनस वन कट रहा है, आंसर क्या आएगा जीरो। और अगर इसको कॉन्सेप्ट से करते हैं हम कॉन्सेप्चुअल अगर करते हैं तो इसने दे रखा है ए प्लस बी, बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो यहां पर क्या निकालना है इसको अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं, वन अपॉन ए क्यूब प्लस वन अपॉन बी क्यूब प्लस वन अपॉन सी क्यूब इक्वल टू, इसको आगे ले जाता हूं तो ये जगह वन अपॉन ये ए प्लस बी दे रखा है, तो मैं यहां पर आपको करके बता देता हूं ए प्लस बी इक्वल टू अगर इसको आगे ले जाऊंगा तो क्या माइनस सी हो जाएगा। फिर दे रखा है बी प्लस सी दे रखा है तो क्या हो जाएगा माइनस ए, फिर दे रखा है सी प्लस ए दे रखा है तो क्या हो जाएगा माइनस बी, ये सारी चीज ए प्लस बी दे रखा है तो ए प्लस बी तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा माइनस सी का क्यूब प्लस बी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी है, बी प्लस सी की जगह क्या लूंगा मैं माइनस ए का क्यूब प्लस वन अपॉन सी प्लस ए है तो सी प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी का क्यूब, बी का क्यूब। अब देख लेते हैं इसको वन अपॉन सी क्यूब, वन अपॉन सी क्यूब कट गया, वन अपॉन ए क्यूब वन अपॉन माइनस ए क्यूब, वन अपॉन बी क्यूब वन अपॉन माइनस बी क्यूब, आंसर क्या आएगा जीरो। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट से अगर इसको सोल्व करना चाहें तो कॉन्सेप्टली इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि जिसमें सबसे पहले आंसर फाइंड आउट होता है आपको मेथड वही यूज करना है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो फाइंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस थ्री एक्स वाई जेड। तो हमें इसको डायरेक्ट मेथड से हम कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो दे रखा तो हमें जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए मैं वैल्यू रख लेता हूँ वन वन माइनस टू, वन प्लस वन टू माइनस टू जीरो। तो यहाँ पर इसको वैल्यू को मैं पुट करता हूँ तो वन का स्क्वायर वन, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड क्या है टू वन, वाई प्लस जेड वन माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर वन का स्क्वायर वन जेड माइनस टू प्लस वन प्लस जेड का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर एक्स प्लस वाई वन प्लस थ्री इंटू एक्स वन इंटू वाई वन इंटू जेड माइनस टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन इंटू माइनस वन सिक्स फोर प्लस इंटू टू प्लस एट प्लस थ्री 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 माइनस सिक्स क्या हो जाएगा माइनस सिक्स। तो ये माइनस 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 सिक्स ये कितना हो जाएगा माइनस एट प्लस एट कट गया, आंसर क्या आएगा जीरो, आंसर क्या आएगा जीरो आएगा। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको कॉन्सेप्चुअली हम करेंगे कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर आने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके डायरेक्ट मेथड से अगर करेंगे हम तो फटाफट आंसर आ जाएगा।
तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम करेंगे वन वन माइनस टू, वन प्लस वन टू, माइनस टू जीरो। तो हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर, वन का स्क्वायर वन प्लस बी, वन का स्क्वायर वन प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर अपॉन, इसको भी करेंगे तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे ए और बी वन इंटू वन वन, फिर बी और सी माइनस टू इंटू वन माइनस टू और ए इंटू सी माइनस टू का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं। तो यहां पर इसको करूंगा तो चार पांच छ सिक्स का स्क्वायर अपॉन माइनस टू फोर वन माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स अपॉन अपॉन नाइन, आंसर आ जाएगा फोर। आंसर कितना आ जाएगा? फोर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे, फटाफट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल मेंस में हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो फाइंड ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी। तो इसको हमें सबसे पहले करना किस तरीके से है करेंगे हम, इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करके, पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ फिर डायरेक्ट मेथड करना है। इसको बी प्लस सी दे रखा है तो सबसे पहले बी प्लस सी निकालूंगा, इसको आगे ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए, क्या हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा। माइनस का ए फिर सी प्लस ए करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बी, फिर ए प्लस बी करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का सी। अब इन्हीं सारी चीजों को हम रख लेते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी तो माइनस ए प्लस बी अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी। अब देख लेते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन प्लस वन, और इस दर भी देखते हैं तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये कटेगा तो वन प्लस वन प्लस वन कितना आ गया थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन आंसर। और अगर इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्टली हमें वैल्यू फिल करनी है किसके अंदर, इसके अंदर। तो हम वैल्यू फिल करेंगे तो ए की यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं वन वन माइनस टू, तो ए की वैल्यू मैं अगर रखूंगा यहाँ पर तो वन अपॉन माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी माइनस टू अपॉन प्लस टू इंटू माइनस टू अपॉन टू प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस माइनस वन अपॉन वन काट देंगे एक दो, इससे ये क्या जाएगा वन प्लस वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन प्लस वन करेंगे तो क्या जाएगा आंसर थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन। तो डायरेक्ट भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं और कॉन्सेप्चुअली करते हैं तो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप मेरे साथ बने रहिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।